नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। जनता की गाड़ी कमाई जो इस विकट कोरोना काल में भी टैक्स के रूप में भर रही है, उस जनता के पैसों की बंदरबांट हो रही है धार नगर पालिका में। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति बड़े बड़े घोटाले नहीं कर सकता जब तक कि संगठित होकर भ्रष्टाचार करने के लिए गिरोह न बने। नगर पालिका में किसी नेता का जमाई, किसी का भतीजा, किसी कर्मचारी के रिश्तेदार सब जमे हैं। सब जनता के टैक्स की कमाई को योजनाओं को मिलकर पलीता लगा रहे हैं। इस तरह का एक और घोटाला आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील सावंत ने फिर नगर पालिका पर लगाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका में सड़क पर गड्ढे भरने के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए के घोटाले के लगाए आरोप, वहीं डामर खरीदी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुनील सावंत ने कहा है कि वह यह शिकायत प्रधानमंत्री को करेंगे। सुनील सावंत का कहना है कि हर शहर का हर नागरिक समय पर टैक्स चुकाता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने संगठित होकर यह गबन किया है। दरअसल नगर पालिका ने शहर की सड़कों पर गड्ढे भरने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर राजबाड़ा, बस स्टैंड व अन्य सभी परिसरों में 64,73,000 रुपए खर्च कर दिए। वही कैलाश नगर में सड़क बना दी। हकीकत क्या है, देखिए खबर इसके पीलाई न्यूज पर। गड्ढे भरने का भी नाम नहीं लिया आपको, जो कागज थी इसमें 21 लाख थी है ना, इसमें और जब मैं पहले जो नोटिस थी वो इंटरव्यू में होना चाहिए पेज पर हमारे ग्राम, और सबसे लास्ट में दो पेज चेतन दास की फिर आ गए। ये तो आपका पहला नंबर है, मैं गाइड लिखा हुआ है चिमन लाल गांधी का अंतर्गत धार शहर के अंदर गड्ढे को पेशवर और दावे करने के लिए मुद्दा दो तीन बार कई सब पत्रकार बंधु उठाया था और आपने इसके पहले इसके अंदर तीन मामले उठाए और तीन में से एक में आरोप सबूत से भ्रष्टाचार के आरोप है। धार नगर के अंदर 19-20 के अंदर धार नगर पालिका परिषद द्वारा गड्ढे रिपेयरिंग के नाम पे और डामरीकरण के नाम पे अलग अलग फर्मों से 5 से 6 बार डामर खरीदा बताया गया, जबकि विगत 2 साल के अंदर धार नगर कहीं से कहीं गड्ढे भराए नहीं। मेरा कहना ये पड़ता, अगर आपने सामग्री खरीदी तो गड्ढे भरना थे और गड्ढे भरना थे उसके बाद आपने जो चेतन दास फर्म है, मयंक आई टी फर्म है और चमनलाल गांधी तीन फर्म से आपने सामान खरीदी, तो आपके स्टॉक रजिस्टर जो बनता है उस पर स्टॉक रजिस्टर के कालम होता खर्च की गिनती खतौनी, उसके अंदर आपने क्यों नहीं खतौनी दर्ज करी कि कहाँ कहाँ कितनी सामग्री लगी। मेरा टोटल फिगर कितने का आ रहा है, रिपेयरिंग के नाम पे 20 से 25 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है विगत 2 साल से। आम जनता से पूछिए कि कहीं धान नगर गड्ढे भराए क्या, आपने पहली बात तो गड्ढे भरे नहीं, वो गड्ढे नहीं भरे तो सामग्री आपके पास है धान नगर पालिका में पड़े पड़े आपको क्या काम की बताइए, और आपने भरे हैं गड्ढे तो खाली सामग्री कहाँ है वही मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा। मेरे द्वारा जब इस मामले के अंदर इस विषय में जानकारी मांगी ये आधी अधूरी जानकारी दी गई, क्यों कि संबंधित बाबू का कहना पड़ता कि मेरे पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं खतौनी का, आपने स्टॉक खर्चे करा था आप खतौनी खर्चे बताइए ना, उसमें कहीं से कहीं इन्होंने खतौनी के कालम में खतौनी बतानी है, ये रिपेयरिंग और डामरीकरण के नाम पर हुआ है। और पत्रकार बंधु उसमें यह है कि आपको चित्र जो फोटो गड्ढे भरे था तो फोटो लिए होंगे, वो फोटो का भी रिकॉर्ड इनके पास नहीं, मुझे जानकारी नहीं दी है, इन्होंने मुझे आधी आधी जानकारी दी। वो इस मामले के अंदर जब मैंने वर्तमान सीओमओ से चर्चा की तो उन्होंने संबंधित शाखा पर बोला कि आप सावन जी को जानकारी दीजिए, अवलोकन कराइए, ना मुझे पूर्ण जानकारी दी है ना अवलोकन किया जा रहा, संबंधित शाखा पर मुझे गुमराह करके परेशान किया जा रहा, ये बहुत बड़ा मामला रिपेयरिंग के नाम पर। भैया ये रिपेयरिंग और वो राड़ वाला और ये पूरा कुल मिलाकर जो आपने यहाँ पे राड़ खरीदी है, हेड पंप लगने कम्प्लीट और अन्य सामग्री खरीदी, तो उसके अंदर जब वो स्टॉक रजिस्टर दिया गया उस स्टॉक रजिस्टर मैंने कहा कि खर्चे की खर्च था तो उसको कालम खाली छोड़ा गया, उनका ये कहना पड़ता है कि वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर नहीं है और जिस संबंधित कर्मचारी का साइन है वो कह रहा है सिंधे से मेरी नारायण नाम के नाम पर। तो कुल मिला के मतलब ये कहना चाहते हैं आपके गड्ढे भरने के नाम पर सिर्फ कागजों पर कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई नहीं हुई, लाखों रुपये लाखों 20 से 25 लाख दूसरा ये हो गया, आपने हेडपंप वाली मैंने बताई, अब आगे और क्या चाहते हैं पता। और तीसरा बंधु है राजबाड़ा का मामला है, बहुत राजबाड़ा कैलाश नगर और बस स्टैंड, मैं ये जानकारी विगत 8 से 9 महीने साल भर से मांग रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं दिया, परेशान किया जाता और जिस हिसाब से मुझे जानकारी दी है बंधु 64 से 65 लाख का डम्बर खरीदी गई राजबाड़ा कैलाश नगर और बस स्टैंड पे, जो पहले ऑलरेडी सीमेंट के थे उनके ऊपर डामरीकरण किया गया। मैं वो आरोप नहीं लगा किया नहीं क्या, मेरा ये निवेदन है आपने इतनी बड़ी राशि जो 62 से 64 लाख की डामरीकरण की सामग्री खरीदी है और ये बनाया नगर पालिका ने मधु नगर पालिका के, तो आपने जब खरीदी तो आपने ये बताया कि वहाँ जो इस्टीमेट बनता और बनता है मापुस्तिका, तो आपने क्यों नहीं बनी मापुस्तिका इस्टीमेट। मैंने जब इसके बाद नगर पालिका से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया, बोले हमने मापुस्तिका इंदाज नहीं की गई है उन्हें इस्टीमेट बना। क्या चाहते हैं भैया इसमें, मैं चाहता हूँ कि इसके मैं अभी बस आगे से शिकायत करने वाला हूँ राजबाड़ा कैलाश नगर और बस स्टैंड, हमने जाँच किया कि बहुत मामला गंभीर है, 62 लाख का डामर
खरीदा गया जो भी सामग्री डम्बर की खरीदी आपने वो उसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। और मैंने अपने स्तर से मालूम करा अन्य विभाग के कर्मचारियों के नाम मिले उन्होंने कहा है कि 6-7.5 लाख के अंदर 1 किलोमीटर सड़क बनती है 7-8 फुट की। तो आपके कहते आप बताइए 62-65 लाख में क्या 8-9 किलोमीटर धार इन्होंने डामरीकरण किया होगा राजभवन भैया? शिकायत करेंगे इसकी कहीं? बिल्कुल मैं करूँगा। कहाँ पे बंदो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धार नगर पालिका के विगत 2 साल के अंदर भयंकर करप्शन हुआ है, मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं पहली बार सोच रहा हूँ इसके बाद एक बार कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के बीच आऊँगा। पहली बार मध्य प्रदेश धार नगर पालिका परिषद की शिकायत में प्रधानमंत्री यहाँ तक कि राष्ट्रपति से करने वाला, मैं नियम सब निकालने वाला हूँ और सेंट्रल के गृह मंत्री को करूँ, मध्य प्रदेश में करूँ अपन वहाँ भी आपकी सोचा बहुत लपक की गड़बड़ हुई है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं जा रही है, मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग बना रही जा रही है अटैक कर। ठीक ठीक भैया ठीक। आपका नाम बताइए? मैं सुनील कुमार सावंत। ठीक।